नमस्कार साथियों, स्वागत है फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं शादीशुदा पुरुषों के लिए कुछ बातें करूंगा और शादीशुदा पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं, स्पेशली शारीरिक दुर्बलता, जब वो बेड पे अपने पार्टनर के पास जाते हैं और एक दो मिनट में ही उनका काम तमाम हो जाता है। उनकी सेक्सुअल वीकनेस के कारण, उन्हें तनाव, शारीरिक दुर्बलता के कारण उनके अंदर जो है बहुत सारी समस्याएं जन्म ले लेती हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो डिप्रेशन की तरफ चल जाते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से इसी तरह के एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और जो शादीशुदा पुरुषों के लिए बहुत ही, ये जो समस्याएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई, उनको खत्म करने का काम करता है। तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से वैद्यनाथ बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में। तो क्या आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत बेकार हो गई है? क्या आप अपने साथी के साथ कुछ भी नहीं कर पाते हैं? बेड पे जाते ही एक दो मिनट में आपका काम तमाम हो जाता है, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और आप अपने पार्टनर से निगाह नहीं मिला पाते हैं। एक दो मिनट में ही आपका काम तमाम हो जाता है, जिसके कारण आपके अंदर शारीरिक दुर्बलता, आप थके थके से रहते हैं, आपके अंदर थकान हावी हो गई है। तो इस सब के लिए हम बात करेंगे वैद्यनाथ बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में, जो इन सब समस्याओं को दूर करता है। तो आज हम जानेंगे बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल, जो एक वैद्यनाथ कंपनी का प्रोडक्ट है और वैद्यनाथ कंपनी जो है अपनी अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन गुणवत्ता के प्रोडक्टों के लिए जानी जाती है। तो आज हम बताएंगे वैद्यनाथ के बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के बारे में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो आज हम जानेंगे बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल का क्या प्राइस है, क्या कंपोजिशन है, क्या यूजेज है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल को कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। तो बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल जो है वैद्यनाथ कंपनी का एक प्रोडक्ट है, हर्बल है 100%, यानी कि 100% आयुर्वेदिक है। और 20 कैप्सूल की पैकिंग मार्केट में आती है और 20 कैप्सूल की जो की पैकिंग का जो मूल्य होता है वो 475 रुपीज होता है, यानी कि 20 कैप्सूल MRP 475 रुपीज। अब बात करते हैं थोड़ा इसके बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो साथियों, बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के अंदर कोच के बीज पाए जाते हैं, शुद्ध शिलाजीत पाया जाता है, सफेद मूसली पाया जाता है इसके अंदर, अश्वगंधा पाया जाता है, प्यूरिफाइड कुचला पाया जाता है, दालचीनी पाया जाता है, वंग भस्म पाया जाता है, अवरक भस्म इसके अंदर पाई जाती है, जायफल पाया जाता है, जावित्री, अकरकरा पाया जाता है, लौंग, केसर, स्वर्ण भस्म, यानी कि कुल मिला के जड़ी बूटियों का ये मिश्रण होता है। स्पेशली जो कोच के बीज, शुद्ध शिलाजीत और ये कुचला, दालचीनी, अवरक भस्म और जावित्री, अकरकरा जो होते हैं ये, और स्वर्ण भस्म, इसको एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही गुणों से भरपूर जड़ी बूटियां होती हैं। अब जानते हैं वैद्यनाथ बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के उपयोग क्या हैं। तो यदि आप शादीशुदा पुरुष हैं और आपके अंदर काम इच्छा की कमी है, आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं और एक दो मिनट में ही आपका काम तमाम हो जाता है, आप थके थके रहते हैं, थकान हावी रहती है, शारीरिक दुर्बलता के शिकार हैं, तो उन सबको ये खत्म करता है और आपके अंदर काम इच्छा को बढ़ाता है, आपके लिंग में तनाव को बढ़ाता है, पेनिस में तनाव को बढ़ाता है, लिंग के कड़ेपन को और कड़ा करता है, यानी कि लिंग का कड़ापन बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है शरीर में, ताकत को बढ़ाता है, थकान को खत्म करता है। जो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों का हार्मोन होता है, यानी कि पुरुष हार्मोन जो होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, उसके लेवल को बढ़ाता है। जब टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में बढ़ेगा तो काम इच्छा बढ़ेगी और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या थी वो खत्म हो जाएगी, यानी कि शीघ्र पतन की समस्या को खत्म करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है और वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, टाइमिंग को बढ़ाता है। तो यदि आपका वीर्य पतला है, आपको धातु रोग है, आपकी टाइमिंग कम है, आपको शीघ्र पतन की समस्या है, एनर्जी आपके अंदर नहीं है, तो आप ये बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं डॉक्टर इसको कैसे बताते हैं, ये कैसे लेना है या कितने दिन लेना है। तो साथियों, ये एक कैप्सूल सुबह शाम पानी या दूध के साथ लेना है, हमेशा खाना खाने के बाद लेना है और आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में इसको लें, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। ऐसा कि मतलब आप मेडिकल स्टोर गए और वहां से इसको आपने खरीद लिया, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन करना है। अब ये एक कैप्सूल आपको सुबह शाम पानी या दूध के साथ खाना है और हमेशा खाना खाने के बाद खाना है, भूखे पेट कभी नहीं खाना है। अब जानते हैं बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल के साइड इफेक्ट क्या हैं। तो देखिए, चूंकि ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, तो इसके नो रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, फिर भी इसको खाने के बाद आपको उल्टियां होती हैं,
लूज मोशन होता है, डायरिया होते हैं, जी मिचलाता है, शरीर पे कहीं एलर्जी होती है, तो तत्काल प्रभाव से बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल का सेवन बंद कर दें और अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो साथियों आज हमने जाना शादीशुदा पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक कैप्सूल के बारे में हमने बातें की, जो शादीशुदा पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं सेक्सुअल वीकनेस या सेक्स से जुड़ी कोई भी समस्या उनको खत्म करता है और उनमें काम इच्छा को बढ़ाता है, उनके तनाव को बढ़ाता है, लिंग के कड़ेपन को बढ़ाता है, एनर्जी को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, थकान को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, शीघ्र पतन की समस्या को खत्म करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, टाइमिंग को बढ़ाता है। तो साथियों यदि आप शादीशुदा पुरुष हैं और आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी सेक्सुअल समस्याओं के कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप बीटा एक्स गोल्ड कैप्सूल का सेवन करें और स्वास्थ्य लाभ पाएं। आशा करता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सही और उचित जानकारी मैं दे पाया हूंगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। चैनल को प्यार देते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।